نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال الله تعالى في موضع آخر وما كان वमक़ानल् माज बहुम वहम यस्तफ़िर सदक अल्लाह रबालमीन नादरन कराम अलकुम वरम वर्काता हम सफ़ा ऑनलाइन के तमाम ज़िम्मेदारों बिलखसूस मौलाना मुनवर सुल्तान नदवी साहब हफिज़ा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें आपसे मुखातब होने का मौक़ा इनायत किया आज मेरी का कानवान है तोबा और इस्तार हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उन तमाम मसाइल का हल जहाँ जहरी इसबाब में पाया जाता है वहीं पर कुरान अहादीस की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भी हमें उन मसाइल का हल बता दिया गया है मैंने हकीम की सूर नूह की आयात मुबारक की तलावत की है और सूर्य अनफ़ाल की भी एक हिस्से की तलावत की है जिसमें अल्लाह ताली फ़रमाते हैं व माँ का ना मुआज बहुम यस्त फ़िर के ईमान वाले जब तक तोबा इस्तफ़ार करते रहेंगे हम उन पर आज़ाब नहीं भेजेंगे ये ज़िंदगी की सच्चाई है और क़ुरान का पैगाम भी है कि माँ असाबकुम मम्मीबिन फ़बी माँ कसब अदी कम व या फुआन कसर तुम्हें जो मुसीबतें परेशानियाँ तकलीफ़ें जो दिक्कतें तुमको हासिल होती हैं उन तमाम के अंदर तुम्हारा ज़ाती किरदार होता है तुम्हारे कारनामों ही का ये असर होता है कि अल्लाह ताला उसके ज़रिए से तुम्हारे गुनाहों को झाड़ देता है ज़िंदगी में हमें बेशुमार परेशानियाँ वाक़ हादसात ज़िंदगी के अंदर चैन सुकून करार नाम की चीज़ नहीं होती आसाइश ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हो गई सारी सुविधाएं, सारी आसानियां हमें हासिल हैं मगर दिल को जो चैन जो करार जो इतमान मिलना चाहिए था वो लोगों के पास नहीं होता और ये चैन सुकून मार्केट में मिलने वाली भी चीज़ नहीं है कि जिसको लोग ज़्यादा दामों में ख़रीद कर लाएँ और उनको ज़िंदगी का चैन ज़िंदगी का सुकून हासिल हो जाए कुरानी हकीम ने इंसानी मसाइल के हल को और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के मसाइल को बहुत हसीन अंदाज में पेश किया है कि आदमी को ज़िंदगी में चैन सुकून कैसे मिलेगा क़ुरान हकीम की जो आयतें मुबारक मैंने पढ़ी है बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होना चाहिए जिस तरह मोबाइल की बैटरी काम करते करते लो हो जाती है चार्जिंग ख़त्म हो जाती है लोग उसे चार्जिंग पे लगाते हैं और फिर रिचार्ज होकर वो मोबाइल काम करने लगता है ऐसे ही ज़िंदगी के झमेलों में पड़ने के नतीजे में बहुत सारी खामियां कमजोरियां कोताहियां इंसानों के जहनो दिमाग फ़िक्र ख़्याल के अंदर आ जाती हैं जिससे ईमान कमज़ोर हो जाता है जब आदमी अल्लाह से रिश्ता मज़बूत करता है अल्लाह के हमदोसना उसकी तारीफ़ और अल्लाह से तौबा इस्तार का सिलसिला कायम करता है तो ईमान भी एक तरीके से रिचार्ज हो जाता है और जो दिल के अंदर गंदगी जो खटक है जो जंग का मादा है गुनाह का मादा है वो ख़त्म होने लगता है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अल्लाह के बहुत बड़े वली थे आलिम दीन थे आलिम रब्बानी थे आरफ़ कामिल थे लोगों के रुशद हिदायत का काम करते थे लोगों को सीधा रास्ता और सच्चा दीन बताते थे लोग उनके पास असलाह नफ्स के लिए असला हाल के लिए अपने आमाल और रखीदे की दुरुस्तगी के लिए अपनी ज़िंदगी के मसाइल उनके सामने पेश करते थे कुछ लोग आए उनमें एक शख्स ने कहा कि हज़रत कहत की वजह से अल्लाह की मखलूक़ बहुत परेशान है इंसानी और हैवानी रोज़ी का सिलसिला मौकूफ़ हो गया है न इंसानों खाने के लिए दाना है और न जानवरों के लिए कोई चारा है इस कहत ने तो इंसानों की कमर तोड़ कर रख दी है आप इसके लिए दुआ फरमाएं तो उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो इस्तिग़फ़ार के माने आते हैं गुनाहों की माफ़ी मांगना अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगो इस्तिग़फ़ार करो दूसरे एक और साहब आए उन्होंने अपनी तंग ज़िंदगी और तंग मीशत की बात की कि रोज़ी की परेशानी है माल की परेशानी है रोटी के लाले लग गए हैं कारोबार चौपट हो गया है ज़िंदगी अजाब बन गई है कोई हल बताइए दुआ कर दीजिए उन्होंने कहा इस्तार करो तीसरा शख़्स आया उसने भी हज़रत से दरख्वास्त की हज़रत हसन बसरी से कि हज़रत शादी के बीसों साल हो गए अब तक कोई औलाद नहीं हो पाई है आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे साहबी औलाद कर दे हज़रत हसन बसरी ने उनसे भी यही अर्ज़ किया इस तफ़्रब्बूम इस्तार करो चौथा शख़्स आया उसने भी अपनी खेती और बागात के फल की कमी और ख़राबी की शिकायत की कि बागों में फल नहीं है और हैं भी तो वो बेकार हैं काबिल इस्तेमाल नहीं हैं बड़ी दुशारियों का सामना है साल भर की ज़िंदगी के मसाइल उसी से हल हो जाते थे लेकिन पैदावार में खामी आ गई पैदावार ख़राब हो गई है कोई हल बताइए उन सभी कहा कि इस्तेफार करो अलगर जितने भी ज़रूरतमंद लोग आते और आए उन सब को आपने एक ही फार्मूला बताया कि इस रब अपने रब से इस्तार करो गुनाहों की माफ़ी मांगो जब वो सारे मुरीदीन मुतवसलिन चले गए तो उनके जो पास बैठने वाले खादिम थे मुँह लगे थे उसने कहा कि हज़रत जितने लोग आए सबों ने अपने अपनी अलग अलग ज़रूरतें पेश की मगर आपने सबको एक ही फार्मूला बताया एक ही नुस्खा बताया आखिर इसकी वजह क्या है तो उन्होंने कुरान हकीम की ये आयत मुबारका पढ़ी कि इस नहु का नफ़ारा हज़रतन आलि सात वसलाम ने साढ़े नौ सौ साल तक अपनी कौम को समझाया दावत दी ईमान लाने की मगर कौम ने ईमान लाकर नहीं दिया आखिर में उन्होंने अपनी कौम से यही जुमला कहा था कि मेरी कौम के लोगों कम से कम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो अगर तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लोगे इस्तार कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला गफ़ारा बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है और अगर तुम माफ़ी मांग लेते हो इस्तार कर लेते हो तो इसका बेनिफिट तुमको यह मिलेगा कि युरसिलिस समा को मिदरारा अल्लाह तुम पर ज़ोर की बारिशें अता करेगा जिससे कहत साली ख़त्म हो जाएगी कहत का मसला ख़त्म हो जाएगा ज़मीन लाल आज़ार हो जाएगी पैदावार की फ़रावानी हो जाएगी यसलीसम आले को मदरारा इस्तफ़ार करोगे तो अल्लाह ताला आसमान से ज़ोर की बारिशें बरसाएगा वयम दिदुम भी अमवाल अल्लाह ताला तुम्हें माल देकर तुम्हारी मदद करेगा व बनी औलाद के जरिए से तुम्हारी मदद करेगा वजालम जन्नत अल्लाह तुम्हारे लिए बाग तैयार करेगा बाग है तो बागों में पल तैयार कर देगा वजाल को मनहारा अल्लाह तो ताला तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा तो नाजरीन इन आयत की रोशनी में बंदे का अल्लाह से आबिद का अपने माबू से रबता मज़बूत होना चाहिए सुबह से शाम तक गुनाहों पर गुनाह होते चले जाते हैं बड़े गुनाह न सही छोटे छोटे गुनाह उनका इतना बड़ा अंबार लग जाता है कि बग़ैर तौबा इस्तार के वो गुनाह ख़त्म नहीं हो पाते नतीजा यह है कि आदमी आजमाइशों में मुब्तला कर दिया जाता है इसलिए तौबा इस हर बंदे के लिए लाजिम है कि आदमी तौबा इस्तार करता रहे बहुत मामूली सी दुआ है अस्तफ़िरल्ला हरबी मिनकुल्ली जम्बू अतूबो इलैह अल्लाह मैं अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ अस्तफरबी मिनकुलज़म मैं अपने रब से अल्लाह जो मेरा रब है उससे मैं अपने तमाम गुनाहों की जो जान कर किए हैं जो अनजाने में हुए सब की माफ़ी चाहता हूँ वह अतूब इही और मैं अल्लाह ही की तरफ़ लौटता हूँ उसके अलावा कोई दरबार नहीं कोई ज़ात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ़ करे तो ये सबसे छोट सबसे छोटा इस्तार है अजतक फिर रबी मिनकुल्ली जंबी अथोबो अलई अगर बंदा सुबह शाम ये पढ़ लिया करे तो अल्लाह ताला ख़ैर की राहें उनके लिए आसान कर देगा ख़ुद कुरान में अल्लाह ने फ़रमाया मैं यद तकिल्लाज मखरजा व यजुक हो मिन हईसिलह तसीब कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह से रिश्ता मजबूत करता है यज आ मखरजा अल्लाह उसको तंगी से निकाल देता है व रज़क हो मिनसो ला या तसीब और अल्लाह से जितना रिश्ता मजबूत होगा अल्लाह ताला उसको ग़ैब से रोज़ी अता फ़रमाएगा और ऐसी जगह से जहाँ इंसान का वहमो गुमान भी नहीं पहुँच सकता कि यहाँ से कैसे रोज़ी मिल गई ये ख़ुद कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया तो चाहे सबसे छोटा इस्तार पढ़ें सुबह और शाम कम से कम सौ सौ बार इस्तार करना चाहिए मझला इस्तार है व अस्तफ़िरम वतूबिलई ये छोटे से ज़रा सा बड़ा है और सबसे बेहतर इस्तफ़ार जिसको सैदल्सतार कहते हैं तमाम इस्तफार का सरदार अल्लाह के नबी वसम भी मुख्तलिफ़ मख्तलित में मुख्तलिफ़ इस्तार क्या करते थे अस्तफ़रल्हरबी मिनकुलज़मी व अतूबिलई ये भी कहते हैं استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتوب اليه ये भी पढ़ते थे और कभी तफसीलन अल्लाह से माफी मांगते थे اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ये इस्तिगफार के अल्फाज है अगर आदमी कुछ ना करे हस्तख फिरल्ला ही कह दिया करे हस्तख फिरल्लह हस्तख फिरुल्लह मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ अपने गुनाहों की तो इन श्ला आसानियाँ पैदा होंगी मैं आपको दो हदीसें आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ ताकि नाजरीन आपका रिश्ता भी अल्लाह से मजबूत हो जाए दिल के अंदर जो कसक है ज़िंदगी के जो मसाइल से इंसान जूझ रहा है सुकून चैन छिन गया है अल्लाह ताला ज़िंदगी में बरकत फ़रमाता है हज़रत बिन अब्बास रजी अल्लाह इरशाद फरमाते हैं अगर आप इस वक्त देखेंगे तो हर आदमी बड़े से बड़ा मालदार हो छोटे से छोटा इंसान हो जैसा भी हो ज़िंदगी के मसाइल में वो जूझता रहता है कभी बीवी की तरफ से कभी बच्चों की तरफ से कभी कारोबार की तरफ से कभी ख़ानदान की तरफ से एक अजीब व ग़रीब ज़िंदगी में कसक जैसे खुशियाँ उसकी छिन गई हों खुशियाँ उससे रूट गई हों कमा रहा है पैसे की फ़रावानी है मगर ज़िंदगी में आसूदगी उसे मैसर नहीं सच्ची खुशी उसे हासिल नहीं ये कैसे खुशी हासिल होगी ज़िंदगी में सुकून चैन करार इत्मीनान वकार इज्जत शोहरत कैसे मिलेगी अल्लाह ताला ने एक नुस्खा दिया है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब की ज़िंदगी के मसाइल को ताबनाक और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए फार्मूला दिया है हज़रत बिन अब्बास रजी अल्लाह तरमाते हैं कि कल नबी जाल सला व्लम मिन इसतफ़ारा जालक़िन मखरजा मिन कुल हम फ़र्जा व रज़ कमिनईस तसीब ओ कमकाल रसोल ये बड़े पाए की हदीस है अहमद ने भी रिवायत की है अबू दाऊद शरीफ़ की रिवायत है इबन माजा शरीफ़ की भी रिवायत इन तीनों अदीस की किताब में रवायत मिलती है और हज़रती अबिन के ज़रिए से मिलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल लज़िमल इसतफ़ार जिस मुसलमान मर्द ने या जिस मुसलमान औरत ने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर लिया यानी सुबह शाम इस्तिग़फ़ार अगर करता रहे अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे तो नबी के फार्मूले के मुताबिक उसे तीन खुशियाँ तीन अजीम नेमतें हासिल होंगी ये रसूल का फार्मूला है किसी और इंसान की बात नहीं जिस रसूल ग्रामी को रबालमीन ने इमामुल अम्बिया बनाया है और ख़ातल रसूल बनाया है उसका हसीन तोहफा है इंसानियत के लिए और उम्मत के लिए फरमाया मज़िम इस्तफ़ार जिस मुसलमान मर्द ने या औरत ने इस्तफ़ार करने को लाजिम कर लिया माफ़ी मांगने को लाज़िम कर लिया अल्लाह उसे तीन नमतें देता है जालाजी मखरजा अल्लाह उसकी हर तंगी को दूर कर देता है ये नबी का फार्मूला है इस्तार करोगे तीन नेमतें मिलेंगी नंबर वन अल्लाह सारी तंगियाँ दूर कर देगा वमिन कुल हमिन फर्जा और अल्लाह ताला सारे गम को दूर कर देगा ज़िंदगी में यही चीज़ें हैं इंसान तंगी महसूस करता है ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है कभी औलाद की तरफ से कभी बी बच्चों की तरफ से कभी कारोबार की तरफ से और कभी ख़ानदान की तरफ से कभी दोस्त अहबाब की तरफ से ज़िंदगी एक में एक अजीब गरीब बेसकूनी बे, बे इतमानी कैफियत हो जाती है लेकिन रसूल ने फरमाया कि अगर इस्तेफार करने को तुम लाजिम कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम जिंदगी की तंगी को दूर कर देगा जो ज़िंदगी बध गई है अल्लाह तमें कुगी कर देगा तंगी दूर करने का मतलब ये ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो आसान हो जाएंगे और दूसरी बात दूसरा ही अमिन कुल हम मिन फर्जा हम के बमान गम हम के माने अरबी में गम क्या आते हैं और अल्लाह ताला सारे गम दूर कर देगा कमा यलीको बिशान ही अल्लाह ताला जो हमारे लिए बेहतर चाहता है वही करता है इसलिए दूसरा इनाम इसतार करने का ये है कि अल्लाह ताला सारे गम दूर कर देगा और तीसरा इनाम जो रोज़ी के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं इधर उधर भागते हैं तावी गंढों वालों के पास जाते हैं इसी दुकान से हमने बहुत ज़्यादा पैदा किया बहुत सारे काम किए घर बनाया लड़की की शादी की लड़की की शादी की ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सारी चीज़ें ख़रीदी अब इस कारोबार में कोई बरकत नहीं कोई लज्जत नहीं कारोबार में नुकसान हो रहा है नबी ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करोगे तो रजा कहो मिन हई सलाह तसीब अल्लाह उन रास्तों से रोज़ी देगा कि जहाँ इंसान की अक्ल भी नहीं पहुँच पाएगी कि यहाँ से रोज़ी कैसे मिल गई यानी रोज़ी के दरवाज़े अल्लाह ताला खोल देता है कैसे रोज़ी मिलेगी यह डिपार्टमेंट अल्लाह का है और बंदे अल्लाह ताला अपने बंदों को उन रास्तों से रोज़ी अता फ़रमाता है जहाँ इंसान का वहमो गुमान भी नहीं पहुँच पाता ये तो एक हदीस है जिसका खुलासा ही निकला कि हम और आप सारे मर्द खुवान् अपने बच्चे और बच्चियों सब को दुआ इस्तार की तलक़ीन करें अस्त तक फिरल्लाबी इनको लिज़म्बी व अतूब इली दूसरी हदीस नबी सदु वसलम के हज़रत उमर फ़रमाते हैं कि इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाया या यान्नाबोलही फ़न्नी अतोबोलही मियत अमरवीन लोगो तुम सब अपने परवरदिगार से तौबा किया करो इस्तार किया करो माफ़ी मांगा करो इसतार में तौबा में ज़रा सा फ़र्क है इस्तार के माने आते हैं अपने गुनाहों की माफ़ी चाहना वो अल्लाह ही की जात है और तौबा के माने आते हैं गुनाहों को छोड़कर खैर की तरफ पलट आना बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आ जाना गफलत से निकल कर ज़िक्र की तरफ आ जाना अल्लाह से दूरी को ख़त्म करके अल्लाह के करीब आ जाना इसको तौबा कहते हैं वतूब इलाई अल्लाह ताला की तरफ झुक जाओ अल्लाह के से रिश्ता मजबूत कर लो इसको तौबा कहते हैं तो इस्तार के माने गुनाहों की माफ़ी चाहना और तोबा के माने आते अल्लाह की तरफ पलट आना बुरे हाल को छोड़ कर अच्छे हाल की तरफ नाफरमानी को छोड़ कर एताद की तरफ आ जाने को तोबा कहते हैं कुरान में भी अल्लाह ने तरमायादिनु तुल्ला ही तोब तनसूआ ईमान वालों अल्लाह से सच्ची तोबा करो और ऐसी तोबा करो कि फिर दोबारा गुनाह तुमसे ना हो हज़रत अनस रजी अल्लाह तशात फरमाते हैं और हज़रत इबिन उमर भी फ़रमाते हैं कि पैग़मर इस्लाम सल्ला वम ने अपनी उम्मत को तालीम दी कि लोगों अपने परवरदिगार से तोबा किया करो देखो मैं अपने परवरदिगार से एक दिन में फिलय में एक दिन में मी तमरवी सौ सौ बार अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ इस्तफ़ार करता हूँ तोबा करता हूँ सौ सौ बार और अगर अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता हूँ तो ये गफलत मेरे दिल पर बोझ बन जाती है और फिर मैं अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ तोबा इस्तफार करता हूँ तो आप नाजरीन आप मुलाजा करें कि पैगम्बर इस्लाम तो बख्शे बख्शाए थे गुनाह का कोई तस्वुर भी नहीं था मगर उसके बावजूद रबालमीन से तोबा इस्तफार करना सौ सौ मरतबा ये तो सिर्फ़ एक अल्फाज हैं अल्लाह के नबी सल वसम ये कोई लिमिटेड नहीं कि सत्तर मरतबा जो हदीस में अल्फाज हैं सब इन सत्तर सत्तर बार सौ सौ बार ये तो एक समझाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर अल्लाह से तौबा इस्तफार करते थे और आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ अनस रजी अल्लाह तआला तशात फरमाते हैं कि खालन नबी सुल्ल बनी आदम ख़त अलाद आदम ख़ताकार है आदम के बेटे आदम के बेटियाँ बनी आदम गुनहगार हैं ख़ताकार हैं हर इंसान से ग़लती होती है लेकिन खैरुल खैर अब बेहतरीन ख़ताकार वो हैं कि गलती हो जाए तो फ़ौल अल्लाह से माफ़ी मांगे अत जो अल्लाह से तोबा इस्तफ़ार करने वाले हैं वो बेहतरीन ख़ताकार हैं ग़लती हुई इंसान के फ़ितरत में कमज़ोरियाँ हैं गुनाह है इंसान से ग़लती का सुदूर हो गया गुनाह सरजद हो गया लेकिन गुनाह होते ही फ़ौन व से तोबा इस्तफ़ार करने लगता है अस्तफ़रल्ला रबी यस्तफ़रक़ियों तब रही तो अल्लाह ताला से तोबा इस्तफ़ार करना चाहिए